नमस्कार, आज मैं आमले का जैम बनाऊंगी। ये काफी स्वादिष्ट होता है और काफी हेल्दी है। काफी विटामिन सी की मात्रा इसमें है। इसको मैं 3-4 सीटी उबाल ली हूँ लगा के कुकर में। एकदम अच्छी तरह उबल गया है और इसका जो पानी निकला है इसको भी ठंडा करके किसी बोतल में डाल के रख देंगे। इसमें भी काफी विटामिन है, आजकल इसको पीना बहुत जरूरी है। और इसको मैं थोड़ी देर ठंडा हो जाने देती हूँ, फिर इसको अच्छी तरह से एकदम अच्छा इसको मैं उबाली हूँ। इसको पानी निकल जाता है, फिर इसको मैश कर लेते हैं, फिर इसका हम जैम बनाएंगे। आंवले को मैं मैश कर ली हूँ। एक टोप ले लेते हैं, एक कढ़ाई ले लेंगे। एक टोप ले ली हूँ मैं, गैस चालू है। थोड़ा सा घी डाल दी हूँ, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। गैस बंद है। आंवले को डाल देते हैं इसमें। इसमें शक्कर डालेंगे, चाहे तो आप नाप के डालें। 2 कटोरी अगर शक्कर है तो 1 कटोरी आंवला होना चाहिए। गैस का फ्लेम एकदम कम रखेंगे और इसको हल्का हल्का हम पिघलने देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम कम है, पिघलने लगा है, शक्कर मिक्स हो गया है। हल्के आंच पर इसको हम पकाएंगे। अच्छी तरह उबलने लगा है, काफी अच्छा हो गया। इसमें पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, स्वाद के हिसाब से डालेंगे। हल्के आंच पे ही बनाना है इसको। काला नमक डालेंगे और इसको चला लेते हैं। गैस बंद कर देते हैं, हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। जीरा भून के लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर बना के रखे हैं, इसको डाल देंगे। ऑप्शनल है पर डालने से काफी स्वादिष्ट लगता है। इसको मिक्स कर देते हैं और ठंडा करके रख देंगे तो इसको सालों तक आप खा सकते हैं। हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। कितना सुंदर बना है। आप भी इस तरह से बनाइए। कैसा बनता है कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।